नमस्कार, मैं डॉक्टर कुमारी मनीषा, सहायक प्राचार्य हिंदी विभाग, कमला राय महाविद्यालय, गोपालगंज, जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा। विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान में हम भक्ति काल पर प्रकाश डालेंगे। भक्ति ईश्वर के प्रति अगाध प्रेम, परम प्रेम ही भक्ति है। भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है सेवा करना। अर्थात ईश्वर की भक्ति में हम उनके पूजन, अर्चन, भजन, कीर्तन आदि करते हैं। जैसा कि पिछले व्याख्यान में मैंने बताया कि भक्ति काल हिंदी साहित्य के इतिहास का दूसरा काल है। आदि काल के बाद भक्ति काल आता है। भक्ति काल की समय सीमा 1375 से 1700 विक्रम संवत मानी गई है। अब साहित्य के क्षेत्र में भक्ति काल के उदय के लिए कौन कौन सी परिस्थितियां प्रेरक बनी, इन सब बातों पर हम विचार करेंगे। भक्ति काल का समय जब था, उस समय हमारे देश में मोहम्मद बिन तुगलक से शाहजहां तक का शासन आता है। उस काल में पठान, लोदी और मुगलों का साम्राज्य था। मुगल शासन का शुरुआती दौर और हिंदुओं के सत्ता का हाथ से निकलना, इन दोनों के संक्रमण का काल था भक्ति काल। हालांकि कुछ विद्वानों ने इसे पराजित मनोवृत्ति का परिणाम और मुस्लिम साम्राज्य प्रतिष्ठा की प्रतिक्रिया स्वरूप माना है, लेकिन हम देखते हैं कि अक्षरशः यह सत्य नहीं कहा जा सकता। हालांकि किसी भी युग निर्माण में उस समय की तत्कालीन परिस्थितियां सहायक होती हैं। किसी भी साहित्य, किसी भी काल के निर्माण में उस समय की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, ये सारी परिस्थितियां अपना महत्व रखती हैं और उन्हीं के वशीभूत, उन्हीं से प्रेरित हो कोई भी दिशा, कोई भी धारा समाज में प्रवाहित होती है। बहरहाल जो भी हो, लेकिन एक ओर हम देखते हैं कि भक्ति काव्य जहाँ उच्चतम धर्म की व्यवस्था करता है, वहीं उसमें उच्च कोटि के कवित्व का भी दर्शन होता है। भाव, भाषा, कला सभी दृष्टि से भक्ति साहित्य श्रेष्ठतम है और यही कारण है कि डॉक्टर ग्रियर्सन ने इसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहते हैं। कुछ विद्वानों ने
भक्ति काल को राजनीतिक पराजय तो माना, तो कुछ विद्वान इसे भारतीय इतिहास में एक महा आंदोलन मानते हैं। उनका मानना है कि यह एक आंदोलन के रूप में उभर कर हमारे देश में आया। तो हम जब देखते हैं कि आदिकाल में जिस तरह की वीरगाथात्मक प्रवृत्तियां थीं, शौर्य का वर्णन, कवि लोग जो आश्रय में रह करके कविता किया करते थे, वे सारे मुस्लिम साम्राज्य के स्थापित होने पर राजाश्रय के क्षण जाने से वे कुटियों में और अपने अपने घरों में रहने लगे, और उसके बाद वो सब एक तरह से भक्ति भाव में लीन हो गए। धीरे धीरे वो भक्ति की ओर प्रवृत्त हो गया, समाज धीरे धीरे भक्ति की ओर प्रवृत्त हो गया। वैसे भी जब हम देखते हैं कि हर तरफ से निराश हताश जब हम होते हैं, तो ईश्वर की भक्ति में लीन होते हैं। यह मनुष्य की प्रवृत्ति भी है। तो ऐसी परिस्थिति में जब समाज में विश्रृंखलता की स्थिति पैदा हो रही थी, उस समय अगर व्यक्ति ईश्वर की ओर उन्मुख होता है तो यह अनुचित नहीं है। धर्म पाखंड, कई तरह की विकृतियां समाज में पैदा हो गई थी। इन सब का खात्मा करने के लिए, इन सब पर विजय प्राप्त करने के लिए ईश्वर की शरण में मनुष्य जाना शुरू किया, जिसके फलस्वरूप हम देखते हैं कि भारत की जो आध्यात्मिक कविता धारा थी, जो कुछ समय से दबी हुई थी, वह पुनः अनुकूल वातावरण पाकर उभर उठी। यह भक्ति भावना पूरे भारत देश में दक्षिण भारत से आई। दक्षिण में भक्ति भावना का प्रचार प्रसार शुरू हुआ, और जिस समय दक्षिण भारत में इस भक्ति भावना का प्रचार प्रसार और भक्ति भावना पनप रही थी, उस समय उत्तर भारत में पौराणिक शास्त्र के आधार पर भक्ति भावना का प्रचार प्रसार शुरू हुआ था। जैसे उत्तर भारत में लोग विष्णु के अवतार को मानते थे, तो विष्णु के अवतार राम और कृष्ण, इस अवतारवाद को लेकर के भक्ति भावना का प्रसार शुरू हुआ। अब हम देखते हैं कि दक्षिण के जो आलवार थे, उन लोगों ने देश में भक्ति भावना का प्रचार प्रसार किया। इन आलवारों की संख्या 12 थी, और इन आलवारों में षटकोप का स्थान सर्वोपरि है। उनकी भक्ति परक रचनाएं दिव्य प्रबंधन में संकलित हैं, जो कि तमिल भाषा में लिखी गई है। इसके पश्चात हम देखते हैं कि रामानुजाचार्य ने सगुण भक्ति का प्रतिपादन किया।
एक तरह से हम देखें तो दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर यह धारा प्रवाहित हुई। हम देखते हैं कि हिंदू धर्म संस्कृति पर जब लगातार विदेशियों के आक्रमण से मूर्ति भंजन मूर्ति पूजकों पर विजय होने लगे तो निराश हिंदू जाति को निराकार उपासना से संतोष नहीं हो पा रहा था। और ऐसे समय में रामानंद ने लोक रक्षक के रूप में राम की प्रतिस्थापना की, जिनके दो रूप प्रचलित हुए, एक तो कबीर के राम और दूसरे तुलसी के राम। कबीर के राम निराकार थे, निराकार ब्रह्म थे, और तुलसी के राम साकार ब्रह्म थे। हम देखते हैं कि रामानुजाचार्य ने जो उत्तर भारत में प्रचार प्रसार किया, तो वहीं चैतन्य महाप्रभु बंगाल में भक्ति भावना का प्रचार प्रसार किया, और वल्लभाचार्य ने ब्रज में कृष्ण की भक्ति भावना का प्रचार किया। तो ऐसे में सूर और तुलसी अपनी अपनी धारा को लेकर के एक एक आश्रय ग्रहण किए। सूर ने कृष्ण भक्ति को अपनाया तो तुलसी ने राम भक्ति को, और इस तरह भक्ति धारा पूरे भारतवर्ष में निर्गुण और सगुण दो रूपों में प्रवाहित होने लगी, जिसमें निर्गुण में दो धाराएं आई, पुनः निर्गुण में दो शाखाएं बनी, दो धाराएं विभाजित हुई जो ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी कही गई। ठीक इसी तरह सगुण भक्ति की भी दो धाराएं प्रवाहित हुई, एक कृष्ण भक्ति धारा और दूसरी राम भक्ति धारा। अब निर्गुण में एक और कबीर जैसे संत समाज में सुधार का कार्य शुरू किया, तो दूसरी ओर निर्गुण के ही प्रेमाश्रय शाखा के सूफी कवियों ने समाज सुधार का बीड़ा उठाया। तो इस प्रकार कुल मिलाकर अगर हम देखें तो भक्ति काल की जो विभिन्न शाखाएं, इनका जो उद्गम हुआ, ये सांस्कृतिक और धार्मिक भावना को बढ़ावा तो दी, लेकिन एक मनुष्य को उसकी मनुष्यता, उसके जीवन के उद्देश्य, इन सब का पाठ पढ़ाया, समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास किया। तो भक्ति काल की प्रेरक परिस्थितियों में हम इन सभी चीजों को रखते हैं। भक्ति काल के उदय के पीछे पराजित मनोवृत्ति का हाथ थोड़ा बहुत अंशतः कहा जा सकता है, लेकिन पूर्णतः नहीं। यह एक संक्रमण का काल था और एक नई धारा विकसित हुई, एक नई चेतना विकसित हुई। तो ये है
भक्ति काल की उदय की प्रेरक परिस्थितियाँ। अगले व्याख्यान में हम किसी और विषय पर बात करेंगे। नमस्कार।